जय बिहारी जी की श्री अरदास। आज ठाकुर जी का ये फूल बंगला है और आज ये पोशाक बिहारी जी ने येलो कलर की धारण की थी, आप आके देख सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर ठाकुर जी के लिए ये एक भगत ने माला बनाकर भेजी है। एक एक कलियां चुन चुन के लगाई जाती हैं, ये एक एक फूल बड़े आराम से ठाकुर जी को बड़े प्यार से लगाया जाता है, मतलब माला में उनकी, तभी उनको धारण कराते हैं। और ये भी एक माला ठाकुर जी के लिए धारण होने आई थी। इसकी सबसे अच्छी चीज़ देखिए, इसको शेप जो ठाकुर जी के लिए धारण कराने के लिए बनाते हैं, ये भी पहले सोचते हैं कि आज ठाकुर जी को हार्ट शेप की पहनानी है या स्क्वायर शेप की। और इसके साथ ये है ठाकुर जी का चुटीला और ये येलो कलर की पोशाक है। ये बिहारी जी का पजामा है, जो सबसे पहले बिहारी जी जब पोशाक पहनना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही धारण करते हैं। ये कुछ फूल तुलसी ठाकुर जी के चरणों से लगे हुए हैं जो हम विधवन जाएंगे। और ये है राधा जी का श्रृंगार और बिहारी जी का, ये राधा जी का चंद्रिका है राधा जी की। ये जैसा कि हमने आपको बताया था, ये कटारे हैं और ये बहुत शोभा बढ़ा देते हैं श्रृंगार की। और ये देखिए, ये है ठाकुर जी का हार गले का कंठा और ये भी एक ठाकुर जी के लिए आज प्रसादी रूप में आया है। इसमें चॉकलेट है और राखी आई है, अभी से अब राखी आना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी लोगों के भक्तों की जो राखियां खुद लेकर आते थे, अब वो कुरियर के जरिए और वैसे गोस्वामी जी के पास भेज रहे हैं अपने, जो भी उनके गोस्वामी हैं। काफ़ी राखियां हमारे पास भी आई हुई हैं जो कि हम 3 तारीख को बिहारी जी को धारण कराएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें रोली, चावल, चॉकलेट, क्योंकि एक बच्चे को, मैंने बताया था बाल रूप की सेवा है बिहारी जी की, तो एक बच्चे को चॉकलेट ही दी जाती है मिठाई के रूप में, तो इसीलिए चॉकलेट दी हुई है तरह तरह की और रोली चावल वगैरह। तो ये हम उस दिन के लिए रख रहे हैं और भोग लगाएंगे और ठाकुर जी को राखी भी पहनाएंगे। और ये है ठाकुर जी का फूल श्रृंगार और ये होते हैं ठाकुर जी के हाथों की पोछी, जो हाथों पर जब हम पहनाते हैं वस्त्र तब उस पर पहनाए जाते हैं ठाकुर जी को। और यहाँ पर ठाकुर जी विराजे थे तो हम यहाँ एक बार माथा टेकेंगे। आप लोगों का भी वीडियो के माध्यम से, आप लोगों का भी हमने वीडियो के माध्यम से माथा टिकवाया। तो ये आज ठाकुर जी की पोशाक, बहुत सुंदर आज पोशाक है बिहारी जी की येलो कलर की। और ये सारा श्रृंगार हमने दिखाया, ये बड़ा मुकुट है जो बिहारी जी को धारण हुआ था। और ये भी ठाकुर जी ने ऊपर से ओढ़ी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी जब येलो कलर पे ये कॉन्ट्रास्ट में आ रही थी। ऐसे हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। जय बिहारी जी की श्री हरदास, जय बिहारी जी की श्री हरदास। अब ठाकुर जी को हमने शयन करा दिया है और इत्र की मालिश की है। इत्र की मालिश करके जो आनंद आता है, जो अनुभूति होती है, उसका कंपैरिजन किसी से नहीं, चीज से हम कर सकते, आउट ऑफ द वर्ल्ड पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम ठाकुर जी के बिल्कुल एकदम इतने निज सेवक के रूप में उनकी मालिश कर रहे हैं कि हमसे बड़ा, माने कि इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अपने घर में ठाकुर जी के जब शयन कराएं तब उनको इत्र की मालिश कीजिए और उनसे बातें कीजिए, उनको कुछ भजन सुनाइए या कुछ भी आप जो लिखते हो शायरी वगैरह ठाकुर जी के लिए, वो सुनाइए उनको। और अगर ये चीज़ भी आपको कुछ नहीं आती हो तो उनसे आप शिकायत कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनसे कुछ रिक्वेस्ट कीजिए, उनको कुछ ऑर्डर दीजिए। जैसे आपका जो भाव है, किसी का दोस्त बनते हैं, किसी के पुत्र बनते हैं, किसी के पिता बनते हैं, किसी के भाई बनते हैं, हर रूप में हम ठाकुर जी को मानते हैं, तो वो रूप से आप उनकी सेवा कीजिए, उनकी मालिश कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए और अपने जो आपके मन में भाव है वो प्रकट कीजिए और जो आपको चाहिए उनसे मांगिए और वो जरूर देंगे। तो हम यहाँ पे आपका माथा टिकवाएंगे, एक बार चौपट पे यहाँ माथा टिकवाइए। तो अब आपने माथा टेका, ठाकुर जी आराम से शयन करेंगे। तो अब हम भी इसको बंद करके अब हम लोग भी चलेंगे। जय बिहारी।